हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस शैडो। सीएसएस शैडो दैट मींस, देखिए हम लोग टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट ला सकते हैं और फिर पर्टिकुलर जैसे ये डीव है तो इसमें भी हम लोग शैडो इफेक्ट ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट शैडोज और बॉक्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए बॉक्स शैडोज। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। HTML में मैंने सिर्फ डिव एक बनाया है और जिसके अंदर में मैंने CSS शेडो लिखा है और कुछ नहीं, और HTML वाला पेज का कोई काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे style.css जो कि हमारा CSS वाला पेज है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट शेडोज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट और उसके बाद शेडो, और उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल वे में हम लोग को यहाँ कुछ लेंथ लेना है तो मैं यहाँ 2 पिक्सल ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं 2 पिक्सल ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक शेडो का कलर देना होता है रेड। ठीक है, हम लोग अगर सिर्फ इतना ही लिख के वेब पेज में जाए और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको शेडो इफेक्ट दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक शेडो आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग लेंथ देते हैं, जैसे अगर मैं इसको जोड़ 0 कर दूं और इसको भी मैं यहाँ पे 0 कर दूं, और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब वो शेडो एकदम बीच में आ गया है जिसके कारण वो हम लोग को नहीं दिख रहा है। मगर यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो देखिए अब आपको यहाँ पे शेडो दिखेगा, देखिए शेडो दिख रहा है। ठीक है, और रहा बात है सबसे लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे दिए थे ये कलर, शेडो का कलर, और उसके बाद में अगर हम लोग को ब्लर करना है, ठीक है अगर हम लोग को ब्लर करना है तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 2 पिक्सल। अभी मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे दूंगा तो अभी ये हल्का सा ब्लर होगा, देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस प्रकार से ब्लर हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग और भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं 0 ही कर दूं, यहाँ पे मैंने 0 पिक्सल कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 0 पिक्सल कर दिया, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो भी देखिए जो ब्लर है, ब्लर के कारण यहाँ पे हम लोगों को शेडो इफेक्ट दिख रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं कॉमा दे रहा हूँ, कॉमा देने के बाद में मैं फिर से यहाँ पे 2 पिक्सल लिख रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिख रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं BL U की ब्लू कलर देता हूँ तब अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक ब्लू कलर का शेडो दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मैं यहाँ 0 कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को 0 करने के बाद वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे तो अब ये ब्लू कलर यहाँ तो नजर नहीं आ रहा हम लोगों को, मगर यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग ब्लर करते हैं, जैसे मैं यहाँ 4 पिक्सल ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लर में। ठीक है, और अगर मैं इसको, ये जो 2 पिक्सल था इसको अगर मैं 6 कर दूं और उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे 0 पिक्सल 0 पिक्सल है, इसको अगर हम लोग 4 पिक्सल है, इसको अगर मैं 2 पिक्सल कर दूं और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग शेडो दे सकते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको 4 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे जो 0 था इसको अगर हम लोग यहाँ 1 कर दें और यहाँ पे भी अगर हम लोग 1 कर दें और उसके बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, ठीक है कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेड कलर था, यहाँ पे मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है ना, देखिए वाइट, तब अब हमारा शेडो इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखिए। ठीक है, तो ये जो था ये आपका है
टेक शैडो, इसी प्रकार से हम लोग बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स शैडो समझाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स और उसके बाद में शैडो। फिर उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे मैं 1 पिक्सल दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे 1 पिक्सल दे रहा हूँ, ये दोनों हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल शैडो, मतलब जो हम लोग को लेंथ चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे एक कलर चाहिए, मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये बॉक्स का एक शेडो आ रहा है। ये जो आ रहा है ये डीप के ऊपर अप्लाई हो रहा है, डीप में पूरा एरिया जो ले है उसके हिसाब से ये आपका शेडो बन रहा है। और इसमें भी देखिए, अगर हम लोग को ब्लर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लेंथ खत्म होता है तो यहाँ पे मैं अगर 2 पिक्सल लिख दूँ तो ये आपका 2 पिक्सल का यहाँ पे ब्लर होगा, देखिए हुआ। और अब ऊपर में भी देखिए हम लोग को ये दिख रहा है। और साथ ही साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए 4 पिक्सल अगर लिखता हूँ तो क्या होगा, इसको अगर मैं देखिए ये क्या करता है, ये उसको स्प्रेड कर देता है। इसके बाद जो नंबर हम लोग देते हैं, जो वैल्यू देते हैं, उसको स्प्रेड कर देता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने 4 पिक्सल दिया था तो यहाँ पे 4 पिक्सल नहीं लिख कर यहाँ पे हम लोग अगर 2 पिक्सल लेंगे तो ये 2 पिक्सल उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और अगर ऊपर नीचे करना होगा तो यहाँ पे हम लोग को माइनस वैल्यू देना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ -1 -1 दूंगा या तो 1 2 में -1 देते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का डायरेक्शन जो रहेगा ये चेंज होगा। देखिए अब ये ऊपर चलेगा क्योंकि मैंने -1 दिया है, ठीक है। और बाकी रहा चेंजेस का, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं राइट क्लिक करके और फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट में ले जाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा डीव है इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और देन यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 2 पिक्सल है ये वाला, ये आपका 2 पिक्सल है, तो यहाँ पे देखिए इसको कम करने से और बढ़ाने से देखिए ये आपका ब्लर हो रहा है, ठीक है। ज्यादा ब्लर करना है या फिर यहाँ पे आपको अगर स्प्रेड करना है तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको स्प्रेड कम बेसी करके देख सकते हैं, देखिए ठीक उसी प्रकार से टेक्स्ट शैडो भी समझना है तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये हमारा वर्टिकल शैडो है, अगर हम लोग इसको बढ़ाते या घटाते हैं तो देखिए जो शैडो रहेगा वो हमारा उसका पोजिशन देखिए यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम लोग यहाँ जाए और यहाँ पे अगर हम लोग इंसर्ट लिख दे, सॉरी इंसर्ट इंसर्ट अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे और उसके बाद यहाँ जाए और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये अंदर की ओर आएगा। देखिए जैसे हम लोग इंसर्ट लिखे थे तो ये बाहर की ओर नहीं जाके ये क्या होगा, ये अंदर की ओर आएगा। ये इसको हम लोग बॉक्स शैडो में यूज करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो समझ में आया होगा। अगर ये दोनों शैडो आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।